दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको हर साइज की स्लीव्स कटिंग करना बताएंगे, ठीक है। ये आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल ना करें। आप किसी भी साइज की, कोई भी साइज हो, आप आराम से स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे, आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ स्लीव्स किस तरीके से कटिंग करते हैं। दोस्तों स्लीव्स हम कटिंग करते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे सीने का नाप होता है ना, उसका 4 करके हम कटिंग कर लेते हैं अपनी स्लीव्स को। तो दोस्तों जैसे कि हमारा यहां पर ये 38 इंच इसकी चेस्ट है, ठीक है। जैसे 38 इंच इसकी चेस्ट है तो हम 38 का 4 भाग करेंगे तो कितना हो गया 9.5 इंच, ठीक है। 38 का 1/4 हिस्सा हो गया 9.5 इंच। अब हमने देखो यहाँ पर 38 इंच यहाँ से नापा, 38 का 4 भाग कितना होता है 9.5, हमने यहाँ पर रखा है 9.25, यानी कि हमने अपनी चेस्ट का 4 भाग करके 9.25 इंच कम करके रख दिया अपनी इसको आरमूल को इसके, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 0.5 इंच भी कम कर सकते हैं और आप यहाँ पर 9.25 इंच भी कम कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर इस जगह शर्ट को बिल्कुल फिट मांगता है, मतलब ज़्यादा लूज भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो और झोल झाल भी ज़्यादा ना आए, तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर 1 इंच तक कम कर सकते हैं। यानी कि चेस्ट का 4 भाग करा जो भी हो, जैसे कि मानो 40 है तो हम यहाँ पर 9 इंच रख देंगे। अगर आपको नॉर्मल फिटिंग चाहिए इस जगह कलाई पे, इस जगह आपको नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पर 0.5 इंच और 0.25 इंच कम कर लें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 0.5 इंच कम कर लिया है। 0.5 इंच कम करने के बाद अब दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर स्लीव्स कटिंग। आप इसी प्रकार अपने हर साइज की स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं और अपने हर साइज का आरमोल भी निकाल सकते हैं शर्ट का, ठीक है। तो हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हमें इसका 4 भाग कर लेना है। डबल फोल्ड कपड़ा है, यानी कि दोनों स्लीव्स हम एक ही संग कटिंग कर लेंगे। अगर स्लीव्स का आर्मोल हमारा उसका होता 9, 9.5 या 10 इंच तो हम एक एक करके स्लीव्स को निकालते और इसी कपड़े में निकल जाती। तो दोस्तों यहाँ से लगाएंगे एक निशान और निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ पर स्लीव्स की जो लंबाई है वो है 22.5 इंच, तो 1 इंच निकाल देंगे ऊपर और यहाँ पर रखेंगे 22.5 इंच और 22.5 के बाद हम नीचे रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। आप 6.25 इंच तक रख सकते हैं, ठीक है। 5.5 में बिल्कुल फिट रहेगा, 6.25 में हल्का सा लूज रहेगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर आर्म, तो हमने यहाँ से जो हमने निशान लगाया है यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे और इस निशान को कर लेंगे बिल्कुल सीधा। सीधा करने के बाद जैसे हमारी यहाँ पर चेस्ट थी 38 इंच, मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ 38 इंच, ठीक है। 38 के बाद हम लेंगे इसका 38 का करेंगे 4 भाग होता है 9.5 इंच। अब 9.5 इंच में से हम करेंगे यहाँ पर 0.5 इंच कम, ठीक है। आप 0.5 इंच भी कम कर सकते हैं, 0.5 इंच कम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो गया 9.5 इंच। इस तरीके से लगाएंगे निशान और निशान लगाने के बाद में आप यहाँ से करीब 2.5 से 3 इंच तक, मैं यहाँ पर देखो 2.5 ले रहा हूँ, आप 2.5 से 3 इंच तक ले सकते हैं और यहाँ सीधा आएंगे, ठीक है। सीधा आने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ शेप दे देना है, इस तरीके से शेप दे देना है। शेप देने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम लेंगे अपनी ये स्केल और इस स्केल को इस तरीके से रख के निशान लगा देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस वाले निशान की, तो आपको इस वाले निशान को हमेशा गुनिया फंटी से ही लगाना होगा। इस चीज़ को बिल्कुल सीधा रख लें, ठीक है। सीधा देखें, यहाँ पर देखें इस तरीके से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, अंदर बाहर को नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ निशान लगाएं और निशान लगाने के बाद में इधर वाला हिस्सा हल्का सा उठा दें ऊपर को, जिससे हमारी सिलाई वगैरह में जाए तो अंदर घोंच ना आए, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। दोस्तों आप किसी भी साइज की यहाँ पर अपनी स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं, किसी भी साइज का आर्मोल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने स्लीव्स कटिंग की है, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो इसमें कन्नी भी आ गई और किनारा मतलब हल्का सा आ गया। अगर ये होता 9, 9.25 इंच, 9.5 इंच तो हमारी स्लीव्स इसमें नहीं निकलती, तो हमें इसको एक एक करके निकालना होता। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो 2.5, 3 इंच का ये निशान लगाया था, यहाँ से हम एक गैप देंगे 0.5 इंच का और इसको भी कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे फ्रंट भाग में चढ़ता है, यानी सामने में चढ़ता है, और ये वाला पल्ला बड़ा वाला हमारा बैग में चढ़ता है। अब इसको हम पलटेंगे और पलटने के बाद इस तरीके से,
दो हिस्से लेना है, चार हिस्से हैं इसमें, ठीक है, दो स्लिप्स हैं, और इस तरीके से बाहर को इतना निकाल देंगे जितना हम सिलाई मार्जिन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर आधा आधा करेंगे। अब दोस्तों रह गई काज पट्टी, काज पट्टी को हमें अपनी बड़ी कोई सा भी हैवी साइज हो या नॉर्मल साइज हो, बड़ी शर्ट होना चाहिए, उसमें हम 5.5 इंच का कट लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर 5.5 इंच का एक कट लगा देना है। कट लगाने के बाद अगर आप इसमें तावीज़ वाली काज पट्टी बनाएं तो एक कट इस तरीके से भी लगा दें। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।